नमस्कार दोस्तों, मैं चैनल का होस्ट धर्मेंद्र पवारा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप ही के अपने एजुकेशन और सबसे तेज न्यूज वाले चैनल में। फ्रेंड्स, चैनल पर फर्स्ट बार पधारे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करेगा। दोस्तों, आज की वीडियो में होमगार्ड के लिए बहुत ही जरूरी खबर निकल गई है, बहुत ही महत्वपूर्ण बनने वाली है वीडियो। तो जो भी होमगार्ड जवान इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि बिना स्किप के देखे इस वीडियो को, और अच्छी लगे तो लाइक भी करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कर लीजिएगा। आज फ्रेंड्स हो चुके हैं 31 मार्च 2020। आज जो सबसे जरूरी ताजा खबरों की अपडेट है अलग अलग राज्यों की, कि 26,519 ड्यूटी अपडेट, एरियर वेतन खबर, सातवें वेतनमान के अनुसार वेतन में बढ़ोतरी, बड़ी खुशखबरी। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना को टाइम वेस्ट के इस वीडियो को शुरू करते हैं और जान लीजिए पूरी अपडेट। दोस्तों, सबसे पहली अपडेट यहां पर आप देख सो हमें जो इंदौर से मिली है दोस्तों, कि वर्दी से घर में घुस सकता है कोरोना। दोस्तों, बहुत ही जरूरी अपडेट थी कि घर न जाए पुलिसकर्मी, पुलिस लाइन में निर्धारित स्थानों पर ही रुके, ड्यूटी के बाद तुरंत उबलते हुए पानी में डुबो दे वर्दी। यहां पर आप देख सो नई दुनिया ऑनलाइन न्यूज़पेपर उसी के माध्यम से अपडेट हमें मिली थी इंदौर से है कि शहर में मौजूद पुलिसकर्मियों के कोरोना संक्रमित होने की आशंका है और कोरोना ग्रस्त लोगों के संपर्क में ऐसे क्षेत्रों में भ्रमण के कारण वर्दी के जरिए कोरोना वायरस घर तक पहुंच सकता है। पुलिसकर्मी घर जाना छोड़ दे, ड्यूटी के तुरंत बाद वर्दी को गर्म पानी में डुबा दे, और यह निर्देश IG विवेक शर्मा ने दिए हैं। देखभाल के लिए ASP स्तर के अधिकारियों को नियुक्त कर दिया गया है, थानों पर जाकर व्यवस्थाएं भी देख रहे हैं, और शर्मा के अनुसार कोरोना वायरस COVID-19 से उत्पन्न परिस्थितियों से निपटने के लिए प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के साथ पुलिसकर्मी भी तैनात रहते हैं, और कई बार मरीजों को भर्ती कराने, अस्पताल जाने और ड्यूटी के दौरान जांच में भी कोरोना ग्रस्त व्यक्ति से संपर्क का खतरा रहता है। कर्फ्यू के कारण परिवार वैसे भी लॉकडाउन है, ऐसे में ड्यूटी के बाद घर न जाए, थाना स्तर व पुलिस लाइन में निर्धारित स्थानों पर ही रुके। IG ने यह भी सुझाव दिया है कि ड्यूटी के बाद तुरंत वर्दी उबलते हुए पानी में भिगो दे, ताकि जो कीटाणु है, जो भी वायरस है, वो नष्ट हो सके। उन्होंने पुलिसकर्मियों और सूजन की देखभाल के लिए सेल बनाई है, इसकी SSP गुरुप्रसाद पारासर को जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो फ्रेंड्स, आप देख सो अस्पताल में सिर्फ 2 मरीज, डॉक्टर भी क्वारंटाइन पर है। बुधवार रात आई रिपोर्ट में मामला मिला क्षेत्र के अस्पताल में भर्ती एक मरीज भी कोरोना संक्रमित पाया गया, और इसके बाद से अस्पताल में सुरक्षा के प्रबंध भी बढ़ा दिए गए हैं। तो दोस्तों, यहां पर आप देख सो होमगार्ड जवानों के लिए आपके लिए बहुत ही जरूरी अपडेट थी कि वर्दी से घर में घुस सकता है कोरोना। यानी दोस्तों, ड्यूटी के पश्चात आप वर्दी को सही तरीके से गर्म पानी में डुबो कर धोए, साथ ही घर पर ना जाए। और अगली अपडेट हमें मिली थी उत्तर प्रदेश होमगार्ड अवैतनिक अधिकारी व कर्मचारी एसोसिएशन उत्तर प्रदेश से मिला है। ये दोस्तों एक आदेश दे रखा है, इसमें शायद आपको थोड़ा बहुत ये ब्लर में है ये पिक, इसलिए आपको सही से दिख नहीं रहेगा। इसमें देखा सेवा में माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश सरकार, वैसे यहाँ पर देखा 26,519 ड्यूटी को यथावत चलते रहने और निश्चित जवानों को बहाली करने से संबंधित ये दोस्तों ये आदेश जारी किया गया। इसमें दे रखा है दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ पूरी अपडेट की, जो 26,519 जवान हैं इनकी ड्यूटी वापस स्वतः पहले की तरह लगा दी जानी चाहिए। और नेक्स्ट अपडेट यहाँ पर हमें अपडेट मिली है मध्य प्रदेश से। दोस्तों, एक आदेश जारी हुआ था होमगार्ड से, था नागरिक सुरक्षा मुख्यालय मध्य प्रदेश से। इसमें दे रखा है होमगार्ड सैनिकों को संबोधित कर दर से मानदेय भुगतान करने के विषय और मध्य प्रदेश शासन गृह विभाग भोपाल का आदेश है। यहाँ पर आप देखो मध्य प्रदेश के शासन के वेतन से संबंधित हमें अपडेट मिली है। उपरोक्त विषय अंतर्गत मुख्यालय के ज्ञापन क्रमांक दे रखा है दिनांक 19/12/2019 में आंशिक संशोधन करते हुए मध्य प्रदेश शासन गृह विभाग के संदर्भित आदेश की कंडिका 02 में दिए गए निर्देशानुसार दिनांक 1/7/2019 से सातवें वेतनमान में देय आरक्षक के न्यूनतम वेतन 19,500 रुपये तथा इस पर देय 17% महंगाई भत्ता राशि 3,315 रुपये को आधार मानकर आरक्षक के न्यूनतम वेतन के समरूप राशि 22,815 रुपये प्रति माह का मान से भुगतान किया जाए। इसके अतिरिक्त रैंक वाइज 6 रुपये प्रतिदिन की दर से प्रति माह 180 रुपये की वृद्धि करते हुए निम्नानुसार भुगतान किया जाना चाहिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर एक इंडेक्स दे रखी है, मैं आपको बता देता हूँ। सैनिक जो प्रति दिवस की जो इनकी हाजिरी है, प्रति दिवस जो 4 महीने यानी कि जो 1 मंथ की हाजिरी होती है, साथ ही पुनरीक्षित मानदेय दिनांक, और ये पूरा देर का यहाँ पर पूरी अपडेट है। और नेक्स्ट अपडेट यहाँ पर आप देख सो कि होमगार्ड के कंपनी कमांडर ने के सुने घर से नकदी जेवर ले गए चोर। दोस्तों, यहाँ पर अपडेट देख सो शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र के बाईपास रोड स्थित होमगार्ड के कंपनी कमांडर के सुने घर से अज्ञात चोर जेवरात और नकदी पार कर ले गए।
और घटना शनिवार की रात की है। जितेंद्र त्रिपाठी ग्वालियर होमगार्ड में कंपनी कमांडर के पद पर पदस्थ हैं और वहीं रहते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की जो जरूरी अपडेट की जानकारी आपको स्टूडियो के माध्यम से मिल गई होगी। अगर फ्रेंड्स आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा। और फ्रेंड्स अगर इसी तरह से आगे की और भी आप होमगार्ड से जो भी लेटेस्ट खबर की अपडेट पाना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर जरूर प्रेस करें। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक्स फॉर यू वॉचिंग माई वीडियो।